जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी कृपा से और भगवान की कृपा से ठीक हूँ, अच्छी हूँ। उतनी अच्छी तो इस ब्लॉग में नहीं हूँ क्योंकि ये ब्लॉग जो है 1 महीने पहले का है। आज बहुत अच्छी हूँ लेकिन ये ब्लॉग जो है वो 1 महीने पहले का है। तो 1 महीने पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप समझ सकते हो कि अगर आपके बॉडी में कहीं पर कट लगाया गया हो भी, उसकी लंबाई जो है लगभग 6-7 सेंटीमीटर की हो और गहराई भी उतना ही हो, ऊपर से उसके टाके खुल गए हों, तो आपको कैसा पेन हो रहा होगा। तो ठीक, अभी मेरी कंडीशन जो आप ब्लॉग में देख रहे हो, देखने में तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है क्योंकि मैं इंजेक्शन लेकर बैठी हुई हूँ। अगर इंजेक्शन नहीं होता तो मेरे चेहरे के बाल कुछ और ही होती। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह पतिदेव से बोली कि मुझे आज इंजेक्शन ज़रूर दिला दीजिएगा। वैसे मैं कंटिन्यू 3-4 दिन से ले रही थी कि किसी तरह मैं बोल सकूँ, चल और जो रीति रिवाज है वो पूरा कर सकूँ। इसके पहले भी हम लोगों के यहाँ होता है नहावन, तो वो हो चुका था। और आज तो मैं बता ही नहीं कि मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। ये मेरे बच्चे का एक्चुअली छठियार हो रहा है और छठियार बिहार में कैसे होता है आप लोग भी देख लीजिए। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, वो भी अपने बच्चे का ही, क्योंकि हम लोग यूपी में रहते थे और जहाँ पे रहते थे वो टाउन एरिया से थोड़ा बाहर निकल कर रहते थे रायबरेली में। तो मतलब हम लोगों को पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, वहाँ पे भी हम लोगों ने किसी का देखा नहीं है। तो फर्स्ट टाइम ये हमारा छठियार है और इन्जॉय कुछ हम ज़्यादा करते, बट हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हमने कुछ भी इन्जॉय नहीं किया है। बट ये है कि काफ़ी दिनों से मतलब बस वही नाइट सूट वगैरह डाल रखे रहते थे, बट आज जो है मैं साड़ी वेयर करूँगी। तो चलिए फिर, आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा और देखते रहिए कि हमारे यहाँ छठियार कैसे होता है। और आई थिंक यहाँ पे जो है देवी माता की पुजाई हो रही है, मीन्स पूजन हो रहा है। और उसके बाद जो है 5 सुहागिनी होती हैं, उनको तेल, उसके बाद सिंदूर, बिंदी सब लगाया जाता है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। हमारी सासू माँ है रेड कलर की साड़ी में, आप लोग जानते ही हैं। और ये मेरी बड़ी जिठानी मुझसे बड़ी जिठानी है भाभी, और सबसे बड़ी ये हैं ऑरेंज कलर की साड़ी वाली। बाकी तो सब मेरी बहू लगेंगी। मेरी पदवी जो है काफ़ी बड़ी है, मैं सबकी दादी चाची यही लगती हूँ यहाँ पे। के बाद फिर उनके आंचल को जो है मिठाई से, मीन्स कुछ मीठे से भरा जाता है। और इधर जो है हलवाई भैया लोग लगे हुए हैं, बना रहे हैं समोसे। नाश्ता में बन रहा समोसा और जलेबी, यहाँ पे अधिकांश लोग यही बनवाते हैं, अधिकांश क्या यही बनता है इधर। और उसके बाद खाने में होगा मटर पनीर और पूड़ी, पुलाव, दाल मखानी और सलाद वगैरह। तो ये खाने में है। इधर देवर जी बैठे हुए, इधर सबके बैठने जो आएंगे सभी लोग, इधर उनके बैठने की व्यवस्था है। तो अब मेरी भी बारी थी, तो ननद जी लोग लेकर आई हुई थी मांग भरने के लिए और सिंदूर लगाने के लिए। क्योंकि तो मैं नहा कर बिल्कुल वैसे ही हूँ, हमारे यहाँ सबसे पहले नहाते ही मांग को पूरा भरा जाता है सिंदूर से और बिंदी लगाया जाता है। रोज की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करने में विश्वास करती हूँ। और
और इधर जो है मेहमान आना जो है स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरे पापा, मेरी दीदी, दीदी के बच्चे, जीजा जी और मेरी बहन वगैरह सब आ रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू बैठे हुए हैं और ये मुझसे छोटी सिस्टर है वाइट कलर के ड्रेस में, मुझसे जो छोटी है वो है, और जो मेरे साथ में अभी रह रही है एक महीने से लगभग, वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। तो अभी मेरे मतलब मेरे दर्द में जो सबसे ज़्यादा साथ देने वाली है वो यही है, हर पल बाबू को संभालना, देखना, क्योंकि मैं अभी कुछ भी बाबू को नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी फीड भी नहीं करा पाती हूँ। जो भी प्रॉब्लम है मैं आगे पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे क्या हुआ है। अभी तो फिलहाल आज के ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। तो आज फाइनली जो है हमारे बेबी का हमारा चिट्ठी आ रहा है और सभी सभी लोग आ रहे हैं, पापा और सिस्टर लोग आ ही चुकी हैं, सब जुटे हुए हैं। और यहाँ पे मौसी जी आई हुई हैं, तो बाबू के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, वही दिखा रही हैं। तो बाबू के हाथ का कंगन था चांदी का, बेरा बोलते हैं हमारे यहाँ, और कपड़े थे प्लस खिलौने थे। तो दो कपड़े और कंगन प्लस ये, और सभी का गिफ्ट मैं दिखाऊंगी, सभी का गिफ्ट अभी रखा हुआ है, बाद में दिखाऊंगी। बहुत कुछ तो निकल भी चुका है, लेकिन जो भी अभी हमारे पास है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। यहाँ मत फेंकना मान, नहीं तो मारे लो। अब बहुत सुंदर आता, वाव नो दे सब। अरे पांच क्या कर रहे हो, कहाँ से? दीदी सारे बाबू के ड्रेस, टॉपी। इधर मैं और दीदी तैयार होने में लगे हैं, तो मैं तो लगभग बस रेडी हो चुकी हूँ। ज्वेलरी वगैरह डालना है, तो मैं सिस्टर से बोल रही थी ना कि पैर पहना दो, और मेरे पैर का भी वो हाल हुआ है ना कि पूछिए मत। एक तो मेरा ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट बहुत मतलब जगह जगह पे हो गया है पैर में भी, और ऊपर से अभी सूजन कम नहीं हुआ है, अभी देखने में लग रहा है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पायल मैं पहन रही थी, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने कहा रहने दो, मेरे पैर कितने ख़राब हो गए हैं, और पहले मेरे चेहरे से ज़्यादा मेरे पैर वाइट हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है कुछ और ही हाल है। गर्दन तो मेरी एकदम काली काली सी हो गई थी, एकदम काली, अजीब लगती थी देखने में। और ऊपर छत पे जो है सब गीत संगीत वगैरह का व्यवस्था किया गया हुआ था लेडीज के लिए, तो यहाँ पे लड़कियां सब गांव की बैठी हुई हैं, लड़कियां औरतें सब लोग। और अभी जो है कोल्ड ड्रिंक दिया जा रहा है, इसके पहले जलेबी और समोसा दिया जा चुका है। तो सबका नाश्ता वगैरह तो हो गया है, और जो खाना है वो रात को है। इधर मौसी कपड़े पहना रही है बाबू को, मेरे बाबू कपड़े पहन
तो बाबू जो ड्रेस पहन रहे हैं वो इसके नाना लाए हुए हैं। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा इसी को पहना दो। ना ठीक बना दे ये सब चीज है टोपी है कद ना बोर्ड भी है जा तो सका हो तो ऐसे ही हो गए मैं छोट कहां से लूंगी तो का ब्राइटनेस चला देनी तो और अच्छा हो गई एकदम फ्रेश वीडियो होता ब्राइटनेस पे हो गई और कुछ कर दो बगल में ना ठीक आप कैसे सुना रोडम कहाँ कोई नहीं है उतरोगे तो बोल बोल नहीं खेत नु तो हम कनी चल आए जाने लगे आई वो भी बनी वो भी टाइम पे वो आगे आना समा पा कूल कूल लिख लो कोने लिख लो सर मुआ ने 10 हुए बहुत सुंदर आवता बहुत सुंदर आवता देखा नहीं है इतना सुंदर आवता अता चक चक में यार मरडे तो वाह एकदम और ये दीदी और मामा का बेटा है मेरा भाई और ये मेरे सबसे छोटी और ये मेरी मेरे गोलू मोलू ये मेरी पलक दीदी की बेटी है और ये मेरे भाई लोग हैं। तो मैं इन लोगों के साथ वीडियो नहीं शूट कर पाई थी तो मैंने कहा चलो फोटो जो क्लिक था उसी से थोड़े से यादें तो रहेंगी ना। हाँ 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 बस बस चुप 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 बेटा चुप चुप। तो मैं सोच रही थी आज इस ब्लॉग को एडिट करके डाल दूं बट बाबू ने मुझे बहुत परेशान किया सो आज जहाँ तक नहीं जा पाएगा कल जाएगा। और इधर भाई से जो है ये पैसे ले रहे थे भाई से दीदी से और ये मेरी बड़ी वाली ननद जी हैं डांस कर रही हैं। हाँ डांस का भी क्लिप शूट नहीं मतलब नहीं हो पाया है कोई लिया ही नहीं है। मेरी सिस्टर लोगों ने किया हुआ था ननद जी ने किया हुआ था बहुत कुछ मतलब मिस हो गया है। और ये अभी मेरे छठियार का सबसे अहम हिस्सा है जो खाना खाया जाता है शायद इसको बोलते हैं खेड़ी बैठाना जो भी बोलते हैं मीन्स इसमें खाना खाया जाता है और बोलते हैं कि अच्छे से खाना चाहिए।
क्योंकि इससे बच्चे का पेट भरता है और बच्चा हमेशा के लिए मतलब भरा भरा महसूस करता है। नहीं तो अगर आप अच्छे से नहीं खाओगे ना तो बच्चा भी हमेशा भूखा प्यासा, हमेशा की बात होती है, भूखा भूखा सा रहता है। तो ज़्यादातर इसमें चावल होता है, कढ़ी होती है, दही बड़े होते हैं, सब्जी होती है। मुझे तो मतलब मेरा तो बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं हो रहा था खाने का, किसी तरह मैं खाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं सही है तो मैं खाना बिल्कुल नहीं खा पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक एक रोटी, दो दो रोटी किसी तरह जबरन खाती हूँ, एक जरा सा नहीं खा जाता है मुझे। और नीचे बैठने में दिक्कत, नियम होता है नीचे बैठकर खाने का, तो दिक्कत हो रहा था तो मैंने कहा कि नहीं प्लीज़ मतलब मुझे कुर्सी पर बैठने दीजिए। और यहाँ ननद जी जो है बाबू के लिए गिफ्ट जो लाई थी उसको पहना रही थी, तो बाद में हम आप लोगों को दिखाएंगे जैसा कि बोला है मैंने कौन क्या दिया हुआ है, अभी तो मैंने ही अच्छे से नहीं देखा हुआ है। और यहाँ पे भाई लोग हैं, मामा के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, तो सब आए हुए थे। और इन लोगों के साथ मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई हूँ। एक तो मेरे यहाँ का नियम होता है ज़्यादातर कोई रूम में नहीं आता है, नहीं बैठता है, ये लोग नहीं आए हुए थे हमारे पास। बस बाबू को गिफ्ट देने और जाते टाइम मिलने आ रहे थे। तो यहाँ पे सब मतलब सबका भोजन हो चुका है बट घर के लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं सब। बहुत ज़्यादा रात हो गई है, थके हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, जल्दी जल्दी सब लोग भोजन करेंगे और इसके बाद आराम करेंगे। पापा देवर जी ये सब खिलाने में लगे हुए हैं। और जितना भी बोलूं अपनी छोटी सिस्टर के लिए ना कम है। जब से आई तब से मुझको देखना और उतनी टाइम कान्हा जी थे, कान्हा जी को देखना, जब इधर बीच बाबू हो गए तो कान्हा जी को दीदी के यहाँ पहुँचा दिए हैं, वहाँ पे पलक उनकी सेवा करती है बहुत अच्छे से। और अब आएंगे कान्हा जी हमारे पास, हम सोच रहे थे थोड़े से हम अच्छे हो जाए तो लेकर आएँ, अब बस और डॉक्टर ने बोला है और 10 दिन के लिए, तो 10 दिन पार हो जाए उसके बाद मैं कान्हा को अपने पास लाऊंगी क्योंकि दिल उनके में लगा रहता है। और अब सब जा रहे हैं, मतलब मेरी मुझसे छोटी वाली सिस्टर, पापा और पलक, वंश, दीदी के बच्चे वगैरह सब जा रहे हैं। तो काफ़ी इमोशनल कर देने वाला ये पल होता है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा आजकल, बहुत ही ज़्यादा दिल से परेशान हूँ। इधर सिस्टर ने पैसे दिए बाबू को और वो हाथ में पकड़ लिए। पलक, तो यहाँ पे ना सबकी विदाई मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब ही थी और मेरे पास कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी फाइनेंशियल। तो अपने घर के लोगों की मैं ऐसे ही विदाई की हूँ। अब ससुराल के लोगों को तो जानते हैं किसी भी ना किसी तरह करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भाई कोई आपकी उतनी ज़्यादा समस्या थोड़ी नहीं है। मायके वाले कुछ भी हो तो वो तो समझ जाते ही हैं। तो बस अभी थोड़ा सा ख़राब लग रहा था कि ऐसे ही सबको वो कर रही हूँ बट कोई नहीं। यहाँ पे इसके पापा जो है बहुत लाड प्यार कर रहे हैं अपने बच्चे से, एकदम थके हुए आराम कर रहे हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं पिटाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।